दोस्तों वेलकम। आज हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ने के लिए हमको, हमने ऑलमोस्ट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के कई एग्जांपल किए हैं, जिससे ऑर्थोग्राफिक को हमने आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट किया है और आइसोमेट्रिक को हमने ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट किया है। अब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में क्या है, देखिए चार चार अलग अलग कंडीशंस में हम प्रोजेक्शन लेंगे। प्रोजेक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, प्रोजेक्शन इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, प्रोजेक्शन इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड प्रोजेक्शन इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चार कंडीशन में हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को देखेंगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट देखने के लिए जैसे हम चार कंडीशन में देखने वाले हैं, तो उसको देखने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हमको ये पता रहना चाहिए, जिन्होंने मेरा शुरू का फर्स्ट वीडियो 30 मिनट का है, जो सबसे लंबा वीडियो है जिसमें मैंने ये बताया था कि प्रोजेक्शन बेसिकली लेते कैसे हैं, वो एक प्रकार का रिवीजन ही प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में क्या है, देखिए अभी हम कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसका प्रोजेक्शन इस क्वाड्रेंट में लेते हैं जो मैंने बनाया है सामने, ठीक है, अगर इस क्वाड्रेंट में, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, तो अगर हम प्रोजेक्शन इस क्वाड्रेंट में लेते हैं तो ही हम उसको प्रोजेक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मान सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब हमको ये देखना है कि हमने एक पॉइंट प्लेस करना है। यहाँ पे सपोज हमने एक पॉइंट प्लेस किया, ठीक है, ये पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए, कैपिटल ए, ठीक है। अब ये कैपिटल ए हमने नाम दे दिया और ये एक्सिस ऑफ स्पिन है, ये हमारा एक्सिस ऑफ स्पिन है, इस एक्सिस ऑफ स्पिन को हमने एक्स वाई नाम दे दिया, ठीक है। अब आप देखिए इसको यहां से हम देख रहे हैं, यहां से जब हम फ्रंट व्यू में देख रहे हैं तो इसका फ्रंट प्रोजेक्शन यहां पे आके छप रहा है, ठीक है, और जब हम इसको टॉप से देख रहे हैं तो इसका टॉप प्रोजेक्शन यहां पे आके छप रहा है, ओके। अब अपन ये देख लेते हैं कि जब हम इसको यहां से यहां देख रहे हैं तो यहां के छप रहा है और इसको यहां से यहां देख रहे हैं तो यहां के छप रहा है। तो लॉजिकली क्या हो रहा है कि अगर मान के चलिए कि ये यहां से यहां का डिस्टेंस अगर 30 सेंटीमीटर था तो इस एक्सिस ऑफ स्पिन से ये 30 सेंटीमीटर ऑफसेट होके प्रोजेक्शन आ रहा है, और अगर ये यहां से यहां का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर था तो ये यहां से यहां ये 40 सेंटीमीटर आ रहा है। ये एक्चुअली स्केल वाइज जो ड्राइंग बना उसमें उल्टा होना चाहिए, मैं गलत जल्दी में थोड़ा वो हो गया है, देखिए मैं इसको ऐसा करेक्ट कर देता हूँ कि अगर मान के चलिए कि ये वाला पोर्शन जो है, एक बार हम ये लेते हैं कि अगर ये 30 था यहां से यहां की ऊंचाई तो ये 30 ऊपर छपेगा, अगर ये 40 था तो ये 40 नीचे छपेगा। अब हम इसको कैसे दिखाएंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को, देखिए ये हमारा एक्स वाई है, एक्स वाई में ये जो 30 की दूरी है, ये पॉइंट हमारा 30 सेंटीमीटर ऊपर, यहां से यहां 30 सेंटीमीटर ऊपर छपेगा, ठीक है, और ऊपर से जब हम देख रहे हैं तो 40 सेंटीमीटर, तो इसी की सीध में जो लाइन बनेगी, देखिए ये करीब करीब यहां से 40 सेंटीमीटर ऑफसेट ऊपर छपेगा, ठीक है, तो ये 40 सेंटीमीटर ये। अब ये ए था तो यहां पे हम इस प्रोजेक्शन को हम ए डैश नाम दे देंगे, ठीक है, और इसको हम नाम दे देंगे ए, ये। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, हमने जैसे यहां से यहां प्रोजेक्शन लिया और यहां से यहां प्रोजेक्शन लिया, उसके बाद इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, रोटेट करके भी हम सामने देख रहे हैं तो ये वाली चीज रोटेट होके क्या है, यहां पे आ गई, ये डॉटेड पोर्शन में आ गई, डॉटेड पोर्शन में 40 एमएम नीचे आ गई, वही हम 40 एमएम नीचे यहां दिखा रहे हैं। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, आप देखिए मैं फिर से बना देता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट अब बनाओ, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपने बनाया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सपोज आपको कोई पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंस है ना, इक्विडिस्टेंस है, इसको हमने सामने से देखा तो यहां के छपा
इसको जब ऊपर से देखा तो यहाँ आके छपा, और ये इक्वी डिस्टेंस था, मतलब नीचे से भी उसकी दूरी जो थी 30 थी और यहाँ से यहाँ की दूरी भी 30 थी, तो ये नीचे भी 30 की दूरी पे ही आगे छपेगा, ठीक है, और सामने से भी ये 30 की दूरी पे ही आगे आगे छपेगा। अब ये एक्स वाई एक्सिस था हमारा एक्सिस ऑफ स्पिन, इस एक्सिस ऑफ स्पिन में, इस एक्सिस ऑफ स्पिन में हम क्या करेंगे, एक्सिस ऑफ स्पिन हमने ले लिया एक्स वाई, ठीक है, इसके एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट के 30 ऊपर और इसी पॉइंट के 30 नीचे, ये जो पॉइंट हमारा ए था ये ऊपर आके ए डैश के रूप में छपा और ये नीचे में ए के रूप में छपा, तो इसको हम नाम दे देंगे ए डैश और ये नाम हो जाएगा ए। अब देखो ये प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, इसको हम डार्क कर देते हैं ब्लैक से, ये हमारा प्रोजेक्शन है और इसको कनेक्टिंग ये लाइन से जिससे कर रहे हैं इसको हम प्रोजेक्टर बोलते हैं, सॉरी, ठीक है, ये ए, ये ए डैश, सो इसको हम नाम देंगे ओरिजिन पॉइंट ओ, है ना, ये वाली दूरी हमारी 30 सेंटीमीटर है सपोज, और ये वाली दूरी अगर हमारी 30, सॉरी ये भी 30, अगर ये अलग अलग दूरी होती सपोज ये पॉइंट यहां ना होके थोड़ा ऊपर होता, थोड़ा सा ऊपर होता, सपोज ये यहां होता अगर, है ना, और यहां से यहां की दूरी 40 होती, तो ये फ्रंट व्यू में हमको 40 ऊपर दिखाई देता, यहां ना दिखाई देके करीब यहां दिखाई देता, तो उससे लेना देना हम लोगों का क्लियर हो जाता एकदम कि कैसी पोजीशन है। फिर से हम एक बार देख लेते हैं, अगर ये 40 होता और ये 30 होता तो क्या होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक एक्स वाई हमारी ये हो गई, ये पॉइंट हो गया ओ, ये ऊपर वाला पॉइंट हो गया ए डैश, ये कितनी ऊंचाई छपेगा, ये 40 है तो ये 40 ऊपर छपेगा, दिस विल बी 40, ठीक है, और ये ओ हो गया और इसको डाउन में ये ए, तो ए जो छपेगा ये करीब करीब 30 रहेगा, इट विल बी 30, सो दीज आर द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ठीक है, इसको हम पूरा कनेक्ट भी कर सकते हैं पॉइंट के साथ, ये 40 था, ये 30 था, 40 क्यों था, क्योंकि इसके ऊपर का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो 40 था, तो परपेंडिकुलर ऊपर ऊपर से देखने में इधर से इधर 30 था, तो ये जब हमने इसको घुमाया एक्सिस ऑफ स्पिन ऐसी हुई, ये एक्स एक्सिस ऐसी हुई, ये दोनों एक्सिस फैली, तो ए हमको 40 ऊपर दिखाई दे रहा है और ये हमको 30 नीचे दिखाई दे रहा है, दिस इज केस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर ये पॉइंट, इफ ये ही पॉइंट, अब देखिए हमारा ये जो है क्वाड्रेंट सेकंड में होता, सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो क्या होता, सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो ये पीछे में कहीं होता, हम इसको ये 40 ऊपर है, यहां से वर्टिकल दूरी इसकी 40 है और यहां से यहां की दूरी इसकी 30 है, ठीक है। अब क्या है, जब हम इसको यहां से देखते, यहां से देखते तो ये वाला पॉइंट इसमें 40 ऊपर आके छपता, ठीक है, और इसमें ऊपर से देखने में ये 30, इससे 30 की दूरी पे आके छपता है ना, उसके बाद हम इसको ऐसा ही रोटेट करते एक्सिस ऑफ स्पिन में, ये एक्स वाई है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता, ये एक्स वाई होता और इसमें दोनों पॉइंट यानी कि पहला वाला 40 पॉइंट और दूसरा वाला 30 का पॉइंट, मतलब ये पहली वाली दूरी 40 और दूसरी वाली दूरी 30, ये दोनों ऊपर ही आ जाते, ये जीरो रहता हमारा, सो दिस इज आवर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इन सेकेंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो इसमें दोनों चीज हमारी कहां आ गई, ऊपर आ गई। अब हम थर्ड केस देख लेते हैं कि थर्ड केस सपोज प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इन थर्ड क्वाड्रेंट, अब थर्ड क्वाड्रेंट हम बनाते हैं, देखिए सेकेंड हो गया ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट अगर अपन बनाते तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता कि अगर ये पॉइंट यहां होता सपोज, ठीक है, और ये पॉइंट इससे सपोज ये यहां से यहां 30 की दूरी होती और यहां से यहां ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 40 का होता,
ठीक है। तो अब ये क्या होता, ये जो 40 वाला पॉइंट है ये यहां इतना आगे आके छपता, और ये 30 वाला पॉइंट इसमें 30 नीचे आके छपता, और इसके बाद हम इसको ऐसा घुमाते, ये यहां से यहां 40 रहता और ये यहां से यहां 30 रहता, इसको ऐसा घुमाते तो हमको कैसा दिखाई देता, ये एक्स वाई एक्सिस हो गया, इसको घुमाते तो ये 40 वाली चीज हमारे को ऊपर दिखाई देती जो हमारा टॉप व्यू होता, ठीक है, और 30 वाली चीज हमको नीचे दिखाई देती। ये लंबा हो गया रेशियो वाइज देखने में, तो 30 वाली चीज हमको नीचे दिखाई देती। ओके, सो ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट इज ए। अब ये पॉइंट ए है, इसको हम यहां नाम दे देते हैं 0। सो ये ए था तो फ्रंट व्यू यहाँ आके छपा 30 नीचे, ये ए डैश हो गया, और ये ऊपर आके छपा तो ये ए हो गया। सो दिस इज अवर ए एंड दिस इज अवर ए डैश। सो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अगर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इन फोर्थ क्वाड्रेंट होता तो कैसा होता, ठीक है। अब फिर देखिए, आप चारों क्वाड्रेंट बनाइए, ठीक है। अगर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इस फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। अब इस फोर्थ क्वाड्रेंट में सपोज हमने एक पॉइंट लिया जो यहां से यहां तक 40 की दूरी पे है, और वर्टिकल डिस्टेंस यहां से यहां तक इसका 30 है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं हम इसको, इसको हम फ्रंट व्यू ले रहे हैं, ठीक है, फ्रंट व्यू ले रहे हैं। तो फ्रंट व्यू लेने के बाद, फ्रंट व्यू लेने के बाद हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये फ्रंट व्यू को हमने यहां पे छापा, ठीक है, और ये टॉप व्यू हमने कहां पे छापा, ये टॉप व्यू हमने यहां छापा। अब क्या किया हमने, हमने इस एक्सिस ऑफ स्पिन को ऐसा रोटेट कर दिया, रोटेट कर दिया, तो रोटेट करने से क्या हो गया कि ये वाला पॉइंट भी यहां पे आके करीब इसी के ऊपर सुपर इम्पोज हो गया। अब इसको अगर हमको दिखाना है तो हम कैसा दिखाएंगे, दिस विल बी एक्स वाई, ठीक है, पहला वाला पॉइंट 40 mm नीचे, ठीक है, इसको मैं लाल से दिखा देता हूं, पहला वाला पॉइंट फ्रंट फ्रंट है तो ये ए डैश, ठीक है, और टॉप व्यू, टॉप व्यू में ये 30 पे आके छपता तो ये भी इसी के ऊपर सुपर इम्पोज करके यहाँ पे ए डैश छप जाता और ये 0 हो जाता। सो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी पिक्चर क्लियर हो गई कि ये चारों क्वाड्रेंट हम फ्रंट और टॉप व्यू लेके किस तरीके का दिखाई देता है। तो बेसिकली ये जो चीजें दिखाई दी हैं, देखिए क्या हो रहा है कि फर्स्ट एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसमें यही फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ऐसा है जिसमें पॉइंट ए डैश और ए, और सेकेंड क्वाड्रेंट में मान के चलिए कि दोनों पॉइंट ऊपर आ जा रहे हैं आपके, ए डैश और ए दोनों ऊपर आ जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में ए डैश ऊपर आ जा रहा है, ए नीचे आ जा रहा है, और इसमें ए डैश और ए दोनों नीचे आ जा रहे हैं। तो दिस इज द रीजन कि हम ड्राइंग कभी भी इसमें नहीं बनाते हैं, इनमें बनाते हैं, ताकि वो डायमेंशंस एक दूसरे पे सुपर इम्पोज मत हो और हमको ऑब्जेक्ट कम से कम दिखाई दे कि वो किस टेक्सचर का है। इसीलिए ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रोजेक्शन या थर्ड क्वाड्रेंट प्रोजेक्शन में ड्राइंग्स बनाए जाते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट प्रोजेक्शन भी एब्सोल्यूट हो गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रोजेक्शन में ही हमको चीजें दिखाई देती है। वैसे मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर होता है तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जैसे हम बोल देते हैं कि लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू, किसी सामान को खरीदते समय किसी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में हमको लेफ्ट साइड व्यू और राइट साइड व्यू तो ठीक है, वो टेक्निकली हमको पता होना चाहिए, लेकिन अगर उसमें ड्राइंग में ये क्लियर कट दिया हुआ है कि इधर से व्यू दिया हुआ है तो हमको ये मान के चलना चाहिए इधर से व्यू, उससे हमको कोई लेना देना नहीं होता चाहिए वो लेफ्ट साइड से व्यू है कि किधर से, इधर से व्यू है कि हम इस तरफ से ए को देख रहे हैं। या कई बार क्या होता है, यहाँ कोई छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं छोटे छोटे, और इसको ऐसा क्लाउड कर दिया रहता है और इसको बोलता है कि डिटेल ए गिवन सेपरेटली, तो अलग से वो इन चीजों की पूरी डिटेल सेपरेटली दिया रहता है इस पार्ट की।
तो ड्राइंग में लेफ्ट हैंड व्यू क्या होता है, साइड व्यू क्या होता है, टॉप व्यू क्या होता है, राइट व्यू होता है, हमको पता होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि इस डायरेक्शन से हमको व्यू लेके बताओ कि ये कैसा आ रहा है। सो ये हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे ये है, चार क्वाड्रेंट है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये चार क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ये हमको याद करने का 10th 11th में भी बताया हुआ जब हम एकेडमिक करियर में थे। तो बेसिकली ये होता क्या है कि यहाँ पे सारी चीजें प्लस क्यों होती है, ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें आप देखिए, आप परपेंडिकुलर लेंगे, बेस लेंगे, हाइपोटेनस लेंगे, सारी चीजें यहाँ पे पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन कॉस और टेन, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हाइपोटेनस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, सब प्लस है, ये भी 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 प्लस है। तो इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीजें प्लस होती हैं, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, इसीलिए हम फॉर्मूला याद करने के लिए अपने एकेडमिक टाइम में ये चूज करते थे। तो आज हम उसको प्रोजेक्शन के फॉर्म में भी देख रहे हैं चीजों को, कि क्यों हम सिर्फ इन्हीं में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट और ये थर्ड, सारे प्रोजेक्शंस हम इन्हीं में क्यों देखते हैं। रीजन ये है कि इसमें जो एक्सिस ऑफ स्पिन है उसके ऊपर एक चीज जानी चाहिए और नीचे एक चीज जानी चाहिए, तभी हमको किसी चीज के डायमेंशंस क्लियर होते हैं। थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो में मिलते हैं हम।